सर आगे पीछे 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 पांडिली का पता है केक जब आया अभिषेक कश्यप जी उन्होंने ही प्रोड्यूस किया है और मैं शुक्रगुजार हूं उनका कि उन्होंने इस अच्छे प्यारे गाने में लव सॉन्ग में मुझे कास्ट किया और उनके साथ काम करने का मौका दिया। एंड आई एम श्योर ये गाना आप सभी ने देखा है, बहुत रोमांटिक और बहुत प्यारा शूट हुआ है और बहुत प्यारा गाना है, दर्शकों को पसंद आएगा और बिफोर म्यूजिक से रिलीज करेंगे। सो आई एम श्योर इनकी व्यूअरशिप बहुत बड़ी होगी और आप लोगों का प्यार हमें मिले। ये सॉन्ग एक रोमांटिक सॉन्ग है जिसमें हम सबको इतनी मेहनत करनी पड़ी है पर वो सफलता मिल गई, क्योंकि अभी जब देखा तो लगा कि यस हम सबकी मेहनत रंग ला गई है। तो बस यही दुआ है, वेरी सॉरी सारे आने वाले आप बहुत बड़े सार हो, आप बहुत अच्छा गाना आपने बनाया, आपके गाने बनने की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमने उसको वीडियो, मतलब जब तक ऑडियो जब तक अच्छा नहीं बनता तो वीडियो में उतनी मजा नहीं आता, उतनी क्वालिटी नहीं आती। ऑडियो एक तरह से ब्लैंक पेंटिंग होती है, वीडियो क्या होता है कलर होता है, तो ब्लैंक पेंटिंग में हमने कलर भर दिया उसमें वीडियो बनाकर पूरा। और थैंक यू सो मच, ये गाना जो फासले का जो बोल है इसके मुझे पता है कि हिट होने वाला है, बहुत ही प्यारे बोल है और बहुत ही मतलब लोगों के जबान पर चढ़ने वाली बोल है। और मेरे भाई लोग मेरे दोस्त लोग आज मेरे बर्थडे पे भी आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद जी डबल खुशी है, आज बर्थडे भी है और आपका गाना भी रिलीज हुआ है, तो कुछ बर्थडे पे कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे अजर जी को? बर्थडे पे कोई भी ऐसा कोई जरूरी नहीं बर्थडे का गाना। जीतू साहब बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तू जियो हजारों साल नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा मैं मतलब की आभारी रहा हूँ हमेशा आनंद पटेल का, आनंद पटेल प्लीज इन पर आ जाइए और अखिलेश जी प्लीज इन पर आ जाइए, आप भी मेरे साथ आइए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए मुझे, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए एक बार आप, ये मेरे वो मेरे भाई हैं। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच भाई, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और ऐसे ही सबको एक बड़ी बात है कि आज लोग चार लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते, आज यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं शुभकामनाएं देने, ये बहुत बड़ी बात है और ये काबिलियत शायद अजहर भाई के अंदर ही है जो लोग इतने शुभकामनाएं देने आए। तो मैं भी मेरे तरफ से पूरी टीम के डायर टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी भाई। और आनंद पटेल मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, मीडिया से मित्र हैं, बहुत बहुत बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, काफी मतलब अच्छे बहुत मतलब दिल से जुड़े हुए भाव हो गया आज के अक्सर क्या इससे पहले भी दिल का मतलब इतना अच्छा टच है ना जी, मतलब अक्सर जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ, जैसे कि इससे पहले मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था इश्क गुनाह है, वो राहुल राय जी के साथ मैंने किया था, बीफोरी म्यूजिक से रिलीज किया था मैंने वो, तब भी आप भी थे वहाँ मौजूद और भाई भी मौजूद थे, मतलब अक्सर मेरे साथ ये मीडिया से फिल्मोरा से है, सीजन मीडिया है, बॉलीवुड अड्डा है, मतलब अक्सर मेरे साथ जुड़ते हैं, जो प्रमोट करते हैं, हमें सहयोग करते हैं, बोलते नहीं मतलब कुछ भी हो उनका फोन आना मतलब एक हमारे लिए खुशी की बात होती है। मेरा मतलब मैंने शुरू से कभी भी अपने आप को अकेला कभी नहीं पाया, सबका साथ ही हमेशा पाया और कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े सब मेरे साथ ही आना, क्योंकि अकेला इंसान कभी चल नहीं पाता, सब एक काफिला जब बनता तो बहुत ही मंजिल पाने का अलग ही मजा है। आप बहुत बड़े सार हो, आप बहुत अच्छा गाना आपने बनाया, आपके गाने बनने की वजह से आज हम लोग यहाँ पे खड़े हैं और हमने उसको वीडियो, मतलब जब तक ऑडियो जब तक अच्छा नहीं बनता तो वीडियो में उतनी मजा नहीं आता, उतनी क्वालिटी नहीं आती।
ऑडियो एक तरह से ब्लैंक पेंटिंग होती है, वीडियो क्या होता है उसका कलर होता है, तो ब्लैंक पेंटिंग को हमने कलर भर दिया उसमें वीडियो बनाकर पूरा। और थैंक यू सो मच, ये गाना जो फासले का जो बोल है इसके, मुझे पता है कि हिट होने वाला है, बहुत ही प्यारे बोल है और बहुत ही मतलब लोगों के जबान पर चढ़ने वाली बोल है। और मेरे भाई लोग मेरे दोस्त लोग आज मेरे बर्थडे पे भी आए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अरविंद जी डबल खुशी है, आज बर्थडे भी है और आपका गाना भी रिलीज हुआ है, तो कुछ बर्थडे पे कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे अजर जी को? बर्थडे पे कोई भी ऐसा कोई जरूरी नहीं बर्थडे का गाना। जीतू साहब बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुझे हजारों साल नहीं है। और मैं सबसे ज्यादा मैं मतलब की आभारी रहा हूँ हमेशा आनंद पटेल का। आनंद पटेल प्लीज एक बार आ जाइए, और अखिलेश जी प्लीज एक बार आ जाइए, आप भी मेरे साथ आइए यहाँ पे ज्वाइन कीजिए मुझे, प्लीज मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ ज्वाइन कीजिए एक बार आप। ये मेरे वो मेरे भाई है, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जन्मदिन की। और ऐसे ही सबको एक बड़ी बात है कि आज लोग चार लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते, आज यहाँ पे सैकड़ों लोग आए हैं शुभकामनाएं देने, ये बहुत बड़ी बात है। और ये काबिलियत शायद अजहर भाई के अंदर ही है जो लोग इतने शुभकामनाएं देने आए, तो मैं भी मेरे तरफ से पूरी टीम के इंटायर टीम की तरफ से आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ जी भाई। और आनंद पटेल मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं, मीडिया से मित्र हैं, बहुत बहुत बर्थडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, काफी मतलब अच्छे बहुत मतलब दिल से जुड़े हुए लाउड हो गया आज के अक्षर का इससे पहले भी दिल का मतलब इतना अच्छा टच है ना जी, कि मतलब ये अक्सर जब भी मैं कोई काम करने जाता हूँ, जैसे कि इससे पहले मेरा म्यूजिक वीडियो रिलीज हुआ था इश्क गुनाह है, वो राहुल राय जी के साथ मैंने किया था, बी फोर म्यूजिक से रिलीज किया था मैंने वो, तब भी आप भी थे वहाँ मौजूद और भाई भी मौजूद थे, मतलब अक्सर मेरे साथ ये मीडिया से फिल्मोरा से है, सीजन मीडिया है, बॉलीवुड अड्डा है, मतलब अक्सर मेरे साथ जुड़ते हैं, जो प्रमोट करते हैं, हमें सहयोग करते हैं, बोलते नहीं मतलब कुछ भी हो उनका फोन आना मतलब एक हमारे लिए खुशी की बात होती है। मेरा मतलब मैंने शुरू से कभी भी अपने आप को अकेला कभी नहीं पाया, सबका साथ ही हमेशा पाया, और कोशिश करता हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े सब मेरे साथ ही आना, क्योंकि अकेला इंसान कभी चल नहीं पाता, सब एक काफिला जब बनता तो बहुत ही मंजिल पाने का। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और ये गाना मुझे लगता है कि अजहर हुसैन का सबसे अच्छा बर्थडे गिफ्ट है। ओह माय गॉड। और इस म्यूजिक वीडियो के अंदर में आपने कास्ट देखी, कास्ट ने कैसा अपना काम किया वो बताइए जरा। कास्ट ने तो बहुत अच्छा काम किया, पूरी ईमानदारी के साथ किया है, और मैंने तो ऑलरेडी अनु जी को कॉम्प्लीमेंट भी दिया है कि वो बहुत अच्छी और सुंदर लग रही है स्क्रीन पर, और मेहुल एज यूजुअल इज वेरी गुड लुकिंग, थैंक यू सर। मैं यही चाहूंगी कि इस एल्बम में कमाल कर दिया है, नाज तुम भी आ जाओ, तुमने भी कमाल कर दिया, तुम इस तरफ आ जाओ, और आज मैं समझूंगा कि हम सब की तरफ से अजहर को ये बर्थडे का तोहफा है, बर्थडे गिफ्ट है, और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हर काम तुम्हारा नंबर वन होता रहे, ऊपर लेकर ऐसे ही जिस तरह से अजान हो रही है, नेक दुआएं मिल रही है, मिलती रहे, और आप सब की टीम ऐसी मजबूत होती रहे, और फासले कम जैसे सुपर डिवन और आते रहे, पूरी टीम को बहुत मुबारक है कि हर पक्ष ने हर डिपार्टमेंट ने अपना काम नंबर वन किया है। मैं समझता हूँ कि जब पूरा डिपार्टमेंट का नंबर वन काम हो जाता है तो मुगले आजम बनती है, शोले बनती है, मुझे लगता है कि फासले कम भी एल्बम की दुनिया की शोले हैं। मुगले सर्व गुण संपन्न जिसे कह सकते हैं, वाकई माँ बाप ने इनका नाम सही नाम रखा है नाज, ये हर काम में नंबर वन है, तो मैं तो इनकी तारीफ करता ही रहूँगा क्योंकि मुझे पता है उनके टैलेंट के बारे में। विकास जो टीम मुझे मिली उसका बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे था, जैसे कास्टिंग में मेहुल भाई हो गए, अनु जी हो गई, और जो म्यूजिक बनाया है अरविंद सिंह चौहान, लिरिक्स भी उन्होंने लिखा है, और साथ ही साथ सिंगर भी वही है, और उनका आवाज इस गाने को पूरा उठाने में सबसे ज्यादा सपोर्ट है। सिंगर का है, सिंगर भी हमारे साथ ही है, कर लेते सिंगर जान होती है, जान है बिल्कुल, सिंगर म्यूजिक और लिरिक्स भी उन्होंने लिखा है,
दूरी ना हो कभी तुमसे मेरी पिया, अब तू ही आदत मेरी, तू ही सहारा मेरा। भैया अगले की शक्ल याद रखो, साल भर के अंदर ये सुपरस्टार बनने वाला है। क्या बात है, बहुत सुंदर। सुनील जी ने कह दिया तो जरूर सुपरस्टार बन जाएंगे भाई, और हमारे साथ साथ काम भी करेंगे। अजहर को तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये एल्बम का काम ही अपने आप उसका काम ही बोलता है। वीडियो एल्बम ने, इस वीडियो एल्बम ने अजहर से कहा, हमें और बनने की चाहत न होती अजहर तुम न होते, अजहर तुम न होते। अजहर था इसलिए एल्बम बना, और ये एल्बम था इसलिए अजहर बना। नहीं बचा तो इसीलिए गया, तो अन्नू जी थी तो इसलिए एल्बम बना। बिकॉज अन्नू जी, आप अन्नू मल्लिक की फैन है। अजहर जी कंटिन्यू आपकी बात रहे। मेरी बात नहीं, मेरी बात नहीं रही। वो क्या हमेशा बात में सपोर्ट सुनील जी कर देते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाता हूँ मुझे। कैसे जहन में आया? एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है वीडियो, आप देख रहे थे तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था, और ये दोनों जोड़ी बहुत खूबसूरत लग रही थी। छुटकारा जब हमें मिला तो हमारे भी फासले जब कम हो गए, तो अन्नू जी से हमने प्लान किया कि अन्नू जी हम मिलके ना इस म्यूजिक वीडियो को कम्प्लीट कर ही लेते, क्योंकि हमारे पास अब प्रॉपर मौका है म्यूजिक वीडियो करने का, क्योंकि लोकेशन भी हमें प्रॉपर मिल रहे हैं और प्रॉपर इक्विपमेंट भी हमें मिल रहा है, और हमें मेहुल जी के डेट्स भी मिल गई साथ ही साथ। और इस म्यूजिक वीडियो को बनाने के लिए सबसे पहले हमारा सिलेक्शन था म्यूजिक को सेलेक्ट करना, तो अरविंद सिंह जो चौहान जो है, इन्होंने म्यूजिक वीडियो म्यूजिक सब बनाया, गाकर भेजा। अनु जी को बहुत पसंद आया, मैंने अपनी टीम के साथ में डिस्कस किया, म्यूजिक बहुत पसंद आया सबको। फिर हमने लोकेशंस को हंट किया मुंबई के अंदर में, किस जगह पे लोकेशन शूट करना है। ये पूरा शूटिंग जो आप वीडियो में देख रहे थे पूरा मुंबई का लोकेशन है, प्रॉपर की स्टूडियो है ये। और इस म्यूजिक वीडियो को शूट करने के लिए सबसे ज्यादा सपोर्ट जो हमें किया वो हमारे डीओपी सर हैं संतोष अंतारे जी, प्लस हमारे एडिटर अभिराज जी, जो ने इस म्यूजिक वीडियो को प्रॉपर अच्छे से सजा दिया। और सेट्स पे जो हमारी मर्डर रस्तियां जो हुई है, मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, हमने बहुत शॉर्ट शॉर्ट टाइम में ड्रेस चेंज करना, मेकअप चेंज करना, सीक्वेंस चेंज करना और शूट करना, शॉर्ट्स निकालना बहुत आसानी से, क्योंकि मैंने बहुत फ्लेक्सिबल काम किया। लोग ना इरिटेट हो जाते हैं नेक्स्ट सीन्स देने के लिए, फटाफट सीन्स चेंज करना है, बट बहुत फ्लेक्सिबल मैंने इनके साथ में काम किया, और मैं आगे भी चाहूंगा कि हम आगे भी काम करें। मेहुल जी ने मेरे साथ तीसरा प्रोजेक्ट किया है, इससे पहले उन्होंने म्यूजिक वीडियो किया था तुस्सा नहीं ख्वाब कोई, फिर रिस्पेक्ट वुमेन एक शॉर्ट फिल्म की थी, तीसरा ये फासले कम किया। अनु जी के साथ मेरा पहला काम है, होप कि आगे हम और भी करते रहे। अनु जी आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस? मेहुल की बात करें तो कैसी केमिस्ट्री है? और मेहुल काफी मजे हुए कलाकार हैं, काफी काम कर चुके हैं। हाँ जी, वो मैं पहले जब इंट्रोडक्शन करवाया था अजहर ने, और तभी मैं फैन हो गई थी कि काफ़ी अच्छा है तुमने काम किया हुआ है, और ये मेरे साथ अगर म्यूजिक वीडियो करें तो ये मेरी बहुत ही खुश नसीबी होगी। ये मेरी एक्चुअली री एंट्री है, जिसका ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन आप समझ लीजिए, वो है आने का एक वापस से फिल्म इंडस्ट्री में, क्योंकि बीच में मेरा काफ़ी गैप हो गया था और मैं फिल्म इंडस्ट्री से थोड़ी अलग हो गई थी। पर अभी जो मैं साथ मिला एक अच्छे डायरेक्टर का, नाज का, मेहुल का, तो मैं जो और दूसरी फिल्में ये अभी एक प्रोड्यूस की है मैंने, उसके बाद ही एकदम मैं एक फिल्म शुरू कर रही हूँ, फिर उसके बाद और दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे हम वेब सीरीज ये करते रहेंगे और काम शुरू रहेगा। अभी मेहुल जी भी मेरे साथ वो दूसरी वाली फिल्म में फिर वापस से हैं, आपको नज़र आएगा। और प्लीज़ जैसे आपने ये फासले कम म्यूज़िक वीडियो देख के लाइक किया और देखते रहेंगे, तो वैसे ही आप मेरी सारी और फिल्म को भी देखिए और पसंद कीजिए, क्योंकि मेरी री एंट्री है, मैं वापस से बोल रही हूँ, मैं बहुत खुश होगी। जिस हिसाब से आप पूछ रहे थे लोकेशन और जो ड्रेसिंग, ये सब है नाज की क्रिएटिविटी, आइडिया, कॉन्सेप्ट हमारे डायरेक्टर सर का, इनका मिलकर ये मेहनत उनकी है। और रही बात अनु जी की, तो अनु जी भले उन्होंने गैप किया और री एंट्री करे, बट शी इज अ प्रोफेशनल एक्ट्रेस, और एक कहता ना कि जिसने स्विमिंग सीखी तो भूलेगा नहीं जिंदगी, 10 साल बाद भी करेगा तो डूबेगा नहीं, तो वो ये बस इनको वापस आना था और कम बैक है। आई एम श्योर शी गोना रॉक, जैसे भी इनकी शुरुआत वापस अभी हुई है, ये वीडियो ऑलमोस्ट लॉन्च होगा,
लोगों को उनका लोगों की तरफ से उनको बहुत सारा प्यार मिलेगा, प्रशंसाएं मिलेगी। एंड आई एम श्योर आने वाली जो फ्यूचर में प्रोजेक्ट बना रहे हैं मूवीज और वेब सीरीज, हमेशा मैं उनके साथ जुड़ा रहूंगा अगर उनकी मर्जी रही तो। और अच्छे काम आगे करते रहेंगे। और बहुत खुश हूँ ये फासले कम गाने से। अरविंद जी ने बहुत प्यारा गाना गाया, म्यूजिक कंपोज की है, हमारे कैमरामैन सर ने, संजय जी ने जान लगा दी है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा गाना पूरी हम टीम ने मिलकर एक दिन में शूट किया है, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, 24 घंटे भी नहीं कहेंगे, इनफैक्ट 12-13 घंटे में हमने मेहनत की है और ये रिजल्ट आपके सामने आया। तो आई एम श्योर सारी ऑडियंस को हमारा गाना पसंद आए, हमारी अच्छी व्यूअरशिप मिले, मिलियंस में हमारी फॉलोअर्स बढ़े और गाने को व्यूअरशिप मिले और आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। ओके नाज, आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है लास्ट में, जब वो आता है, दूसरा कपल आता है, कैसे? एक्चुअली ये जो फासले कम करने का ये जो सॉन्ग है, जब हमारे पास भेजा था अरविंद सर ने, तो इतना प्यारा सॉन्ग था, तो हम इसको सुनकर ना सपने में चले गए थे। तो हमें ऐसा लगा कि अगर एक लड़का एक लड़की के साथ सपने में चला जाता है, लेकिन सपने से उसे वापस भी तो लाना है, तो लाने के लिए कुछ क्लाइमेक्स थोड़ा भारी भरकम देना होगा, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को डिज़ाइन किया गया। और रहा सवाल इस गाने का बहुत खूबसूरत अंदाज में बनने के लिए, तो जैसे अभी अनु जी ने कहा कि इन्होंने कमबैक किया, तो लंबी छलांग लगाने के लिए बस दो कदम इन्होंने पीछे लिया था, बस इतनी सी बात है। और ये दोनों जोड़ी इतनी खूबसूरत थी और है कि इन्हें देखकर हमारी पूरी टीम को कॉन्फिडेंस मिलता था कि नहीं, जैसे ये आज इतने खूबसूरत है, हमें इन्हें पर्दे को तुलना ही खूबसूरत और लैविश बताना है, इसलिए हमने वैसे कॉस्ट्यूम डिज़ाइन किए, वैसे लोकेशन डिज़ाइन किया। और जो भी मतलब आपके सामने जो इतना खूबसूरत सॉन्ग आया है, पूरी टीम मेहनत से आया है, जिसमें म्यूजिक डायरेक्टर DOP हमारे सर, इन्होंने बहुत अपनी जान लगा दी सॉन्ग को उम्दा तरीके से पेश करने के लिए। और ऑब्वियसली वन एंड ओनली हमारे अदर सेंसर, एडिटर सर अभिराज, पूरी टीम का पूरा बहुत सपोर्ट रहा, जब जाके ये एक रेसिपीज तैयार हुई है बहुत सारे इंग्रीडियंट्स मिलकर। संतोष जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैट था बैकग्राउंड में, नहीं नहीं, प्रॉपर लाइव लोकेशन, ये प्रॉपर लाइव लोकेशन है, प्रॉपर सेट से काम करे। एंड एक्चुअली मैं बोलूंगा कि मैं थैंक बोलूंगा नाथ सर को, रघु सर को, कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे। नाथ मैडम ने और रघु सर ने जो एक अपॉर्चुनिटी दी मुझे काम करने के लिए, उन्होंने जो ट्रस्ट किया है मेरे पे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की अच्छा काम करूँ, और काफ़ी मेहनत की हम लोगों ने, आपने देखा भी होगा, आपने देखा है। तो मैं आगे के लिए उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि ऐसे ही काम करते रहे और मुझे भी मौका देते रहे, जरूर काम करेंगे, है ना। लेकिन म्यूजिक की बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी चैलेंजेस रहा होगा आपको जब ये कॉन्सेप्ट सुनाया गया होगा, कैसे आपने किया और क्या? अजहर भैया से मैं साल भर पहले मिला था मुंबई में, तो उस टाइम केवल नॉर्मल मीटिंग हुई थी, हमारी स्टूडियो में था मैं। उसके बाद अभी मैं रिसेंटली मैंने म्यूज़िक किया था, तो मैंने उनको लिंक भेजा था, तो उनको काफ़ी पसंद आया म्यूज़िक को। उसके बाद उन्होंने बोला कि कुछ रोमांटिक कुछ गाना हो तो बताओ कुछ हो, तो मैंने कहा भैया मुझे 4-5 दिन का टाइम दो, मैं कुछ देखता हूँ। उसके बाद विद इन 6 डेज मैंने पूरा म्यूज़िक बना लिया, लिरिक्स लिख के कंपोज किया, अरेंज किया, मिक्स किया, मास्टर किया, फाइनल कट भैया को भेजा, तो उनको काफ़ी पसंद आया। बट मैं ये मानता हूँ कि एज अ आर्टिस्ट हमेशा एक वजह ढूंढता है कि कोई वजह मिल जाए उसको कोई काम करने की, तो अजहर भैया ने वजह दी वो मुझे, और ये काम हुआ और काफ़ी एनर्जी फील की मैंने काम करी, क्योंकि एक अकेले इंसान के लिए इतना ईजी नहीं होता कि सारा काम ये अकेले करे वो। बट मैंने फील किया कि इतनी सारी टीम की एनर्जी मैंने फील की उस गाने में, और जो कि दिख भी रही, और आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। अनु और मेहुल जी, आप दोनों बिफोर यू पे रिलीज हो रहा है, बड़ी बात है, आप दोनों जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? चलते बस यही चाहते हैं कि म्यूजिक कंपनी बड़ी है, हमने बहुत बड़ी मेहनत से ये वीडियो एल्बम किया है और काम किया है, और आप सबको देखा है ये रिजल्ट, तो आपको पता चली गया। तो आई एम श्योर बिफोर म्यूजिक पर जब भी ये रिलीज गाना लॉन्च हो जाएगा, सो वी गोना रॉक, और ये ऑडियंस को पसंद आएगा, ऑडियंस का प्यार हमें मिलेगा। अनु जी, मैं भी यही चाहूँगी ऑडियंस का बहुत प्यार मिले हमें। और क्या कुछ कहना चाहोगे? ये पूरी टीम को थैंक यू कहना चाहूँगा, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया, डायरेक्टर जैसे अजय हुसैन जी और नाथ जी ने, उन्होंने ट्रस्ट किया, मैंने उस पर कोशिश किया खरा उतरने के लिए, और मेहुल जी अनु जी ने बहुत अच्छा काम किया जिससे मुझे काम करने में बहुत आसानी हुई। अभिलाष सुपर स्टार हैं एल्बम के, आपको काम करने का मौका मिला उनके साथ, क्या
यार ऐसे कोई बात नहीं, हर कोई काम करता है, आज ही यहाँ पे है कल को नेवर, यू नेवर नो, इतने बड़े एडिटर बन जाए कि हमें भी इनकी फिल्म, चाहेंगे कि हमारी फिल्म ये एडिट करे आगे जाके। सो विश यू गुड लक भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया, थैंक यू वेरी मच हमें अच्छी तरीके से पर्दे पे उभारने के लिए। आप कुछ कहना चाहोगे अभिलाष के बारे में? मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी, बहुत ही अच्छे वे से एडिट किया है, देखते ही एकदम दिल खुश हो गया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अजय साहब को और उनकी साथी नाज जी को, उन्होंने एक बहुत खूबसूरत एल्बम बहुत कम समय में बनाया और पिछले दो साल से पूरी जो पूरी इंडस्ट्री रुकी हुई थी वापस पूरी इंडस्ट्री चालू हो गई, हम सब लोगों का मिलना जुलना शुरू हो गया। और इस मौके पर मेरी मेहुल जी से मुलाकात हुई, अन्नू कश्यप जी से मुलाकात हुई, मैं अन्नू जी का बहुत पुराना साथी हूँ, जब इन्होंने काफ़ी 20-25 पिक्चर अजय हिरोइन दी थी, उस जमाने में डायरेक्शन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट होता था और एक्टिंग के लिए स्ट्रगल करता था, तो मैं बड़ा स्वभावशाली समझता हूँ अपने आप को कि काफ़ी लंबे अरसे के बाद मैं अन्नू जी को लेकर के दो पिक्चर शुरू कर रहा हूँ और मैं उसमें राइटर डायरेक्टर हूँ और अन्नू जी फिर से री एंट्री ले रही है फिल्म इंडस्ट्री में, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं जोड़ी के लिए कि ये जोड़ी सलामत है और फासले कम जैसा एल्बम जो हमारे अजीज दोस्त ने बनाया है, तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। और चूंकि मैं वेस्ट इंडिया फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन की कमेटी में हूँ, तो पूरे एसोसिएशन की तरफ से और पूरी इंडस्ट्री की तरफ से मैं इस एल्बम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि एल्बम हिट हो और दिन दुनिया रात चौकनी तरक्की करें। और अन्नू जी की जो री एंट्री हुई है इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरी बड़ी तमन्ना थी कि अन्नू जी को मैं डायरेक्ट करूं, तो आज मैं अन्नू जी को लेकर के दो पिक्चर शुरू कर रहा हूं कि कब गंगा तो घाट पर आया गंगाराम और काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं, तो दोनों पिक्चर में अन्नू जी हैं मेरे साथ में और मैं उस फिल्म का राइटर डायरेक्टर हूं। और उसके पहले अभी जो एल्बम हमने शुरू किया है तो आज उसकी लॉन्चिंग है, इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय महाराष्ट्र, फिल्म इंडस्ट्री जिंदाबाद। सही समय पर रिलीज हो रही है फासले कम, वाकई ये फासले की घड़ी है आजकल, और जैसे फासले रखा जा रहा है और ऐसे सही टाइम पे फासले आ रही है, तो इससे बेहतर फासले और क्या हो सकता है। तो फासले को मेरी ओर से बधाई और आप फासले देख करके देखिएगा, क्योंकि सिनेमा में जितना फासला होता है उतना अच्छा सिनेमा दिखता है। और दूसरा भाई मेहुल भोजक, जिनके साथ ऑलरेडी मैंने एक फिल्म की है शुभराती, और ये बहुत ही अच्छे और समझदार और सुलझे हुए, खासकर तकनीकी इनको नॉलेज बहुत अपार है, एंड ही इज़ इमेंसली गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड, और ईश्वर करे ऐसे ही ये हमेशा अपने काम के ज़रिए हम सबको सरप्राइज देते रहे और दस्तक देते रहे कि मैं जिंदा हूँ, मैं अच्छा हूँ। थैंक यू वेरी मच, मैं दुआ करूँगा कि हमें हमेशा मौका मिलता रहे कि मैं राजकुमार कन्नू जी के साथ काम करता हूँ, बिकॉज बहुत ब्रिलियंट एक्टर है, बहुत क्रिएटिव और कॉमेडी में तो टाइमिंग इनका मतलब लाजवाब है, He is a very good, fantabulous person. Love you, bhai. Thank you. Shubh Ratri, अच्छी चली का राजकुमार जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को? शुभ रात्रि कुछ क्षेत्र में इतनी अच्छी कि वहाँ शुभ रात्रि की वजह से प्रोड्यूसर का शुभ दिन हो गया। शुभ दिन हो गया। और चार्टर फ्लाइट भी खरीद लिया है, आपको पता है सर? ओह क्या बात है, अरे वाह यार, ये तो बहुत अच्छा न्यूज है यार, तो चलते फिर सब जल्दी। चलिए मुबारकबाद भी साथ ही साथ दे रहे हैं, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जुबेर भाई यहाँ इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं, इसलिए बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ, क्योंकि जुबेर भाई ये बी फॉर यू म्यूजिक से है और इनके माध्यम से, बी फॉर यू म्यूजिक के माध्यम से मेरी बहुत सारी म्यूजिक वीडियो अब तक रिलीज हो चुकी है, और ये भी म्यूजिक वीडियो इनके माध्यम से, बी फॉर यू के माध्यम से रिलीज होने जा रहा है। तो सर प्लीज कहिए कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है। जानते हैं कि यार मैं कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, कितने अच्छे से वीडियोज बना के देते हैं, ये जो भी वीडियो भेजते हैं मुझे फर्स्ट लुक में ही पसंद आ जाता है और मैं हाँ कर देता हूँ, तो ये तो मेरे लिए बड़ी कॉम्प्लीमेंट्री है भाई कि मैं पहली बार में इनको वीडियो भेजता हूँ, इनको तुरंत पसंद आ जाता है, कहते हैं डन मैं रिलीज कर रहा हूँ इसको, मतलब सेकंड डे मुझे रुकना है कभी नहीं पड़ा इनके लिए, ऐसा कभी मेरा काम रहा है। काम तो मेरे बहुत अच्छे होते हैं। जुबेर भाई आपने वीडियो देखा, तो क्या एक्चुअली क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है, कैसे वीडियो अच्छा होना चाहिए या क्या होता है जो बिफोर यू लेती है उसके बारे में थोड़ा सा? हम लोग देखते हैं कि पहले की लिरिक्स कैसे हैं, शूट कैसे किया हुआ है, और म्यूजिक कंपोजर वगैरह जो हैं सिंगर हमारे बहुत अच्छे हैं, ये हम देखते हैं पहले फर्स्ट रेफरेंस उन्होंने को देते हैं कि सिंगर कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हाँ ये गाना हमें चलाना चाहिए, ये हमारे लेवल का है, और फिर हम चला मतलब नया कोई ऐसा नया से नहीं है, हम तो नए लोगों को ही ज़्यादा चांस देते हैं,
नए लोगों को ज़्यादा चांस देंगे, बिकॉज कि नए लोग एक नया प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म ढूंढते हैं कि उस पर आए और चले। तो हम तो अजय भाई के साथ हैं, अजय भाई जो भी लेके आते हैं हमें पसंद आते हैं, हम करते हैं। अब तक के लगभग मेरे इनके पास देखा जाए तो लगभग 10 म्यूजिक वीडियो लगभग हो गया रिलीज इनके म्यूजिक, मतलब इनके चैनल भी फ्री से हो चुका है। और आने वाले अभी मेरा होने जा रहा है एक और क्या बोलते हैं बम, एक रैप सॉन्ग आ रहा है मेरा 30 तारीख को रिलीज है बी फॉर यू पे। उसने रैप सॉन्ग लिया है क्या बोलते बम, हाँ पहली बार बी फॉर यू पे एक रैप सॉन्ग जा रहा है जो रिलीज हो रहा है। अब तक कहना था कि हम रैप सॉन्ग वगैरह को नहीं प्रमोट करेंगे, बट जुबेर भाई के माध्यम से इनके मतलब माध्यम से बी फॉर यू रैप सॉन्ग को भी प्रमोट कर रहा है, उसको रिलीज कर रहा है। भाई हम वही नए लड़कों को हम चांस देते हैं ज्यादा, और अजय भाई भी वही करते हैं, नए टैलेंट को हम लोग डेफिनेटली चांस देते हैं। अरविंद जी जब मुझे पहली बार मिले थे, अखिलेश जी जब मुझे पहली बार अरविंद जी मुझे मिले थे, तो मेरे लिए ये भी एक नया टैलेंट था, पर मुझे लगा कि इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कंपोजिशन बहुत अच्छा करते हैं और खुद प्रोग्रामिंग एंड म्यूजिक खुद ही करते हैं ये, तो एक कंप्लीट एक कॉम्बो था मेरे लिए। तो मुझे लगा कि मुझे 10 जगह नहीं भागना पड़ेगा, एक ही जगह जब सारा काम मेरा होगा तो मैं और भी आगे इनके साथ काम करता रहूंगा। और ये हमारे संतोष जी हैं डीओपी नाना ने बहुत